मुझे वायग्रा की लत लग गई है तो मैं क्या करूं, इसके बारे में जब लोग पूछते हैं, कॉल करते हैं, तो उसके बारे में मैं सलाह देते रहता हूं और उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। वायग्रा मतलब सिल्डेनाफिल, और सिल्डेनाफिल जो है वो 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम ऐसे डोज में आती है टैबलेट। लोग क्या करते हैं कि सिल्डेनाफिल जो है अलग अलग नाम से आती रहती है, ओवर द काउंटर बेचने के लिए मना है, मगर तभी भी वो बेची जाती है, लोग लेते हैं, इरेक्शन आता है, परफॉर्म अच्छा करते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि अभी मैं जब वायग्रा लूँगा नहीं तो मुझे इरेक्शन आएगा नहीं। फिर दूसरे बार दूसरे दिन वो फिर वायग्रा लेता है, फिर इरेक्शन आता है, फिर करता है, और ऐसे ही लग जाती लत। तो फिर क्या करें? देखिए, पहले यह आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वायग्रा रोज लेना ठीक नहीं है, और उसके पहले यह एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि रोज सेक्स करना जरूरी नहीं है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि रोज सेक्स करना चाहिए। एवरेज इंडियन या एवरेज ह्यूमन बीइंग बोलो, दुनिया में एवरेज, तो एवरेज जब निकाला तो मालूम पड़ा कि 54 बार एक साल में आदमी सेक्स करता है, एक साल में। इसका मतलब क्या हो गया? हफ्ते में एक बार। और आपको प्रॉब्लम ही है कि इरेक्शन नहीं आ रहा है, लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है, तो हफ्ते में एक बार वायग्रा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप सेक्स करना ही है और रोज करना है, रोज वायग्रा लेंगे तो वायग्रा के जो साइड इफेक्ट्स है उससे अपने बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? एक तो बीपी फॉल हो सकता है, शरीर पूरा गर्म हो जाता है, जैसे चेहरा गर्म हो जाता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कमर दर्द, पीठ दर्द, हाथों पैर में दर्द होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई लोगों को चक्कर आते हैं, कोई लोगों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, और कुछ लोगों के आँखों के ऊपर, आँखों का जो पर्दा है अंदर का, तो पर्दे के ऊपर वायग्रा का बुरा असर होता है। तो जब इतने बुरे प्रॉब्लम्स हैं, कोई लोगों को नौशे आते हैं, नौशे भी आता है ना, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ऐसा भी होता है, तो फिर ये जब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो फिर वायग्रा रोज लेना जरूरी नहीं है। क्या है कि यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जो मतलब वायग्रा नहीं लिया है, बिना भी ठीक हो सकता है, फिर क्यों लेना वायग्रा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काउंसिलिंग करनी पड़ेगी। काउंसिलिंग में हम क्या करते हैं, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक सिखाते हैं, सेंसेट फोकस सिखाते हैं, और जिसमें कहाँ ब्लॉक्स है दिमाग में वो निकालते हैं, ताकि वायग्रा की जरूरत ही आपको पड़ेगी नहीं। हाँ, वायग्रा की जरूरत वो लोगों को होती है जो लोगों को क्रॉनिक डायबिटीज है, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जो खून की नलियाँ हैं अंदर का जो अस्तर रहता है मोटा हो चुका है, और अभी पेनिस को ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे इसमें फिर पेनिस को यदि ब्लड फ्लो जाएंगे ही नहीं, अंदर जाएंगे ही नहीं, तो इरेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि इरेक्शन जब आता है तो करीब करीब 100 से 150 ml ब्लड अंदर जाता है पेनिस में, लिंग में, और वही नहीं गया तो नेचुरल इरेक्शन नहीं आएगा। तो फिर ये लोगों को लेनी पड़ती है वायग्रा, और वो लोगों ने भी फिर मतलब कौन से लोग, डायबिटीज़ वाले, या जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई चालू है, या जिनको मानसिक बीमारियों की दवाई चालू है, वो लोगों ने हफ्ते में एक बार लिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ऐसा नहीं कि वायग्रा मतलब सिल्डेनाफिल, कोई भी टाडालाफिल बोलो, वर्दनाफिल बोलो, एवेनाफिल बोलो, ये दवाइयाँ रोज लेने की नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स है। बेटर ये है, जैसा मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया कि अलग अलग फ्रूट्स खाओ, बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, दिमाग के ब्लॉक्स जो है आपस में पट्टा नहीं है, रिश्तों में दूरी आ गई है, दिमाग के ऊपर तनाव है, स्ट्रेस है, तो ये प्रॉब्लम ठीक करो तो वायग्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिनको होती है ना, परफॉर्मेंस मैं कर नहीं पाऊँगा, ये डर, और कर नहीं पाऊँगा इसलिए गोली खाओ, अभी जम जाएगा, तो उनको लत लगती है, तो वो भी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी 100% बिना गोली की अच्छी होती है, तो वो भी आपको काउंसिलिंग से परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ठीक करते हैं तो वायग्रा की लगेंगी नहीं गोली। अच्छा, फिर समझो लत लगी हुई तो क्या करें? आपके पार्टनर को ओपन कम्युनिकेशन करो, कबूल करो, पहले एक्नॉलेज करो कि देखो ये ऐसा ऐसा है, ये मुझे लत लगी है, ये मैं लेता हूँ तो मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं। तो फिर वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको काउंसिलिंग में सपोर्ट करेगी, और आपकी जो लत है ये ठीक हो सकती है, और वो ठीक हो जाएगी डेफिनेटली। तो वायग्रा रोज लेना अच्छा नहीं है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है, और वो लिया तो फिर आँखों के ऊपर असर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए यदि आपको उसकी लत है तो तुरंत लत छोड़ने के लिए उपचार कीजिए। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, हमें नीचे कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका इलाज करने के लिए हम तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और
उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।